सो गाइस सर, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि थोड़ी सेडिंग कैसे करते हैं। तो मुझे जितना पता मैं आप लोगों को उतना बता सकता हूँ। तो यार वैसे लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नहीं हो वैसे तो यार पहले भी ये काम जरूर करना। और हमारी फर्स्ट सेडिंग है बिल्कुल ये नॉर्मल वाली यार, मेरे हिसाब से यार आती होगी जी, नहीं आती तो ऐसे ही करनी है। और बिल्कुल भी गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और प्रेशर हमेशा भी आप लोग सेडिंग करो तो एक ही प्रेशर पर रखनी है इसे। और यार ब्लेंडिंग के लिए टूल मैं सजेस्ट करूँगा कॉटन, मैं तो उसे करता हूँ। और सेकंड हमारी है राउंड, तो राउंड सेटिंग भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, पर ये मुझे स्मूथ लगती है यार बहुत ज़्यादा। बट आप लोगों को इसके अंदर भी गैप नहीं छोड़ने हैं। और वैसे मैं इसे नोज के पार्ट पे यूज़ करता हूँ ताकि जिससे थोड़ी सेटिंग अच्छी लगे। और अभी हमारी आने वाली है थर्ड सेटिंग, वैसे मैं इसे नॉर्मल पेंसिल से कर रहा हूँ क्योंकि यार बजट नहीं। तो अभी इसके बाद हमारे आने वाली है थर्ड सेडिंग, तो इसे हम थोड़ा वैसे करने वाले हैं, तो आप लोग देख ही लेना। वैसे अरे कुछ ज़्यादा ही लंबी बना दी। तो अभी हमारी थर्ड सेडिंग में आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। एक साइड से आप लोगों को ऐसे सेडिंग कर दी है, दूसरी साइड से भी, तो इससे ये वाली थोड़ी परफेक्ट हो जाएगी। बट यार इतनी यूज़ नहीं होती कॉमनली, वैसे आप लोगों को अच्छी तरह से दिखेंगी क्योंकि लाइटनेस की वजह से, थोड़ा फ़ोन का कैमरा भी ऐसा ही है। और आप लोग देख सकते हो कि, और एक और बात यार मैं आप लोग बता ही देता हूँ, चलो आप लोग को बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना, प्रेशर ही करना है। अगर कहीं पे आप लोगों ने डार्क प्रेशर बना दिया तो फिर यार गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत ही दिक्कत आएगी। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा ले लिया और यहाँ पे कम। वैसे आप लोग एक और बात याद रखो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिल्कुल एक साइड में नीचे, वहाँ पे आप लोगों को डार्क से लाइट ले जाना हमेशा, के ना कि लाइट से डार्क। आप लोगों को ले जाना है डार्क से लाइट ताकि जिससे सेटिंग थोड़ी अच्छी दिखे। और वैसे यार एक और बात बताते हूँ, जब भी आप लोग जैसे आउटलाइन बनाते हो और सेटिंग करते हो तो आप लोगों को आउटलाइन होती है जो जैसे बार बारिश आ रही है उस आवाज़ को इग्नोर कर देना। और जब आप लोग आउटलाइन बनाते हो और उसके साइड में जैसे सेटिंग कर दिया अंदर, तो बाहर से आप लोग थोड़ा रियलिस्टिक दिखाना चाहते हो, तो वहाँ से आप लोग थोड़ा आउटलाइन को थोड़ा वैसा बना देना कि वहाँ पे सेटिंग कर देना ऐसी जैसे वो रियल लगे। तो वैसे यार गाइस ये वाला पार्ट यहीं तक था, तो अभी तक के लिए बाय बाय और लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को आप लोग।